हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, अगर आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे अपनी क्लाइंट की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, जो जीएसटी R3B है उसके अंदर से जो इंटरेस्ट है वो ऑटो पॉपुलेट होगा, ऑटो कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट। जो भी आपने जीएसटी लेट फीस पेमेंट की थी, जीएसटी लेट पे किया था, उसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है खुद पोर्टल पर होगी ऑटोमेटिकली, और वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपकी GSTR 3B में। तो आज की वीडियो के अंदर हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो इंटरेस्ट है वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा। एक एक चीज हम इसको डेप्थ में देखने वाले हैं। तो गाइज, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में ताकि मैं आपको डिटेल एनालिसिस जो है GSTR 3B का वो करवा पाऊं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, तो GSTR 3B जो है उसकी टेबल 3.1 में सारी जो डिटेल है ये आपको फिल करनी होती है। जो ये फिल करते थे हम, सेम एज इट इज हमें फिल करनी है, अलग से कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है जी, जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, वो मेरे पास कहाँ आ जाती है, ए में, ठीक है जी। कॉलम ए में मेरे पास क्या आता है, वो आउटवर्ड सप्लाई आती है जो कि टैक्सेबल होती है, निल रेटेड, जीरो रेटेड और एग्जम्प्टेड इसके अंदर नहीं आती। यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST, SGST, सेस, ये सब कुछ हमने इसके अंदर लिख दिया। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, कौन सी, जीरो रेटेड वाली कहाँ आ जाएंगी, ये, ठीक है जी, टैक्सेबल वैल्यू और IGST यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे CGST, SGST ये नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि जितनी भी जीरो रेटेड सप्लाईज होती है वो मेरे पास किस में आती है, हमेशा इंटरस्टेट मानी जाती है, उसके ऊपर हमेशा IGST आएगा, उसे इंटरस्टेट नहीं माना जाता कभी भी, उस पर CGST, SGST नहीं आता। नेक्स्ट वन, जो हमारे पास आउटवर्ड सप्लाईज हो गई, कौन सी, निल रेटेड, एग्जम्प्टेड, वो मेरे पास कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे, कौन से कॉलम में, थर्ड में, ठीक है। तो ये जो मेरे पास थर्ड कॉलम है इसके अंदर निल रेटेड आई, इसलिए यहाँ पे IGST, CGST, SGST का कॉलम ही ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लायबल टू रिवर्स चार्ज, वो इनवर्ड सप्लाईज यहाँ पे आएंगी जो कि लायबल टू रिवर्स चार्ज है। ध्यान से देखिए, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, वो मेरे पास कहाँ पे आएंगी, फोर में। यहाँ पे मुझे टैक्सेबल वैल्यू दिखानी है, IGST, CGST, SGST, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, यानी जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, अगर आपने ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई की जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसके ऊपर, इसके अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन ओपन नहीं होंगे, ना CGST का, ना IGST का और ना ही SGST का, ना सेस इसके अंदर ओपन होगा। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, हमारी टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पे हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, क्लियर। ये जो हमारे पास टेबल 3.1 थी, यहाँ तक हमारा प्रोसेस क्या था, बिल्कुल सेम, इसके अंदर हमने कुछ भी अलग नहीं किया। बट जब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, तो इसके अंदर क्या होगा, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टैक्स पेयर को क्या करना है, डिक्लेयर करनी पड़ेगी ये टैक्स पीरियड की ब्रेकअप डिटेल, ब्रेकअप डिटेल, यानी कि आपको मंथ वाइज कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रोवाइड करनी है। अब देखिए, ये जो मंथ वाइज डिटेल है, अक्टूबर की मैंने अलग दी, सितंबर की अलग दी, अगस्त की अलग दी, जुलाई की अलग दी, यानी कि जो मैंने IGST ऊपर जमा करवाया था ना, आप ऊपर IGST देखिए कितना था, जो मैंने अभी 3.1 आपको टेबल बताई उसमें अगर आप देखेंगे IGST कितना है, यहाँ देखिए टोटल IGST वॉज 1,47,000 रुपीज, यहाँ देखिए अब टोटल IGST तो 1,47,000 है, बट इसके अंदर मैंने अक्टूबर का जमा करवाया 1,00,000, सेप्टेम्बर का दिया 40,000, अगस्त का दिया 5,000 और जुलाई का कितना दिया 2,000, यानी मैंने उस 1,40,000 को बायफर्केट करके दिखा दिया, क्लियर। मैंने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए, जो 1,40,000 मैंने, 47,000 जो मैंने IGST दिया था, मैंने उसको बायफर्केट करके दिखा दिया कि उसमें अक्टूबर का कितना है, सेप्टेम्बर का कितना है, अगस्त का कितना है और जुलाई का कितना है। सेम एज इट इज मैंने 51,000 जो CGST, SGST है इनके साथ किया, यहां भी मैंने बायफर्केट करके दिखा दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेस की, तो इसी तरीके से मैंने सेस को भी बायफर्केट करके दिखाया कि कौन सा सेस कितने का मैंने पे किया है। यहां पर रिवर्स चार्ज आपको अलग दिखाना है, ये मैंने ऊपर क्या किया, अदर देन रिवर्स चार्ज दिखाया, ठीक है जी।
अब आपको अदर देन रिवर्स चार्ज और रिवर्स चार्ज वाला भी अलग से करके दिखाना है, यानी बाइफर्केशन दो तरीके से होगी। देखिए 140,000 की एक बाइफर्केशन तो आपने यहाँ की, 147,000 की एक बाइफर्केशन यहाँ की, कैसे टाइम पीरियड के हिसाब से, और एक बाइफर्केशन मैंने यहाँ की किस हिसाब से, अदर देन रिवर्स चार्ज के हिसाब से और रिवर्स चार्ज के हिसाब से। क्लियर एवरीवन? ऐसे ही आपको सीजीएसटी एसजीएसटी की भी दो बाइफर्केशन करनी है, कैसे, एक तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से जो आपने की, और एक आपने ये जो की रिवर्स चार्ज के और अदर देन रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग। आई थिंक यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास अब ये जो नया फीचर आया, ठीक है, अब ये नया फीचर कैसे लागू होगा आपके पास, जो टेबल 6.1 है, एज वी ऑल नो कि टेबल 6.1 में हम क्या करते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं। जो भी पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, जो जीएसटीआर 3B के अंदर हम टैक्स पे करेंगे, वो कहां जाकर के होगा, टेबल 6.1 के अंदर। अब पेमेंट स्टेज पे आने के बाद आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास ये जो मेक पेमेंट, ये आपके पास एक कॉलम आता है मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट लेजर, ये जो ऑप्शन आता है, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल, ये जो टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप है ना, ये टैब ओपन हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ऊपर ये टैब आपके पास ओपन नहीं था, अगर मैं ऊपर वाली टेबल में बात करूं तो ये वाला टैब आपके पास ओपन नहीं था, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ये पोस्ट क्रेडिट लेजर वाले इस कॉलम के ऊपर टिक करेंगे, तो यहां टिक करते ही क्या हो जाएगा आपके पास वो जो टैब है समरी वाला, ठीक है जी, टैक्स लायबिलिटी जो ब्रेकअप वाली समरी है, ये आपके पास एनेबल हो जाएगी। इसके एनेबल होने के बाद आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ई वेरीफाई करना है। यहां से ई वेरिफिकेशन कर देनी है, ई वेरिफिकेशन करके आपकी जीएसटीआर 3B जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, अगर आपने जो ब्रेकअप है, अगर आप ब्रेकअप वाली जो मैंने ऊपर कॉलम दिखाया, उस ब्रेकअप वाले कॉलम को अगर आप क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से आपके पास एक चार्ट आएगा कि आपने IGST जो बैक डेट का था कितना कितना पे किया, CGST कितना दिया और ये सब कितना दिया, आपने यहां से सेव करना है, ठीक है। अगर आप ये देखिए, अगर तो आपने पिछला कोई ब्रेकअप दिया है, पिछले मंथ का कुछ दिया है, तो ये टैब आपके पास आएगा, दिखेगा आपको। लेकिन अगर आपने पिछले मंथ का कोई ब्रेकअप नहीं दिया, तो डायरेक्टली वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है, उसी तरीके से आपको GSTR 3B फाइल करनी है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, सीधा ई वेरिफिकेशन का एक कॉलम आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी पिछले मंथ की डिटेल दी है, तो ये टैब आपके पास ओपन होगी और इसके अंदर दिखाई देगा कि कितना पिछले मंथ का आप IGST CGST पे कर रहे हैं। नाउ जब आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे EVC वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ई वेरीफाई आपने करना है विद EVC और विद DSC, जैसे ही आपके पास मतलब कंफर्टेबल है आप करने के लिए, तो उसके बाद आपका ये सेव हो जाएगा और GSTR 3B फाइल हो जाएगी। लेकिन इसमें जो ध्यान रखना है जो ऑटो पॉपुलेट होगा सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट, वो कब पॉपुलेट होगा, आपकी नेक्स्ट GSTR 3B में, ठीक है जी, जो आपकी नेक्स्ट GSTR 3B आएगी, जो आपने डाटा भी फिल किया। मैंने इस बार क्या दिखाया कि मेरा अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का इंटरेस्ट जो है, जो IGST था, CGST था, SGST था, वो पेंडिंग था, मैंने डिपॉजिट करवा दिया। अब सिस्टम क्या करेगा, इस बार की GSTR में उस अमाउंट को उठा लेगा, और उस अमाउंट को उठाने के बाद नेक्स्ट टाइम पे उसे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेगा, और जो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, वो इस फॉर्मूले के अंदर एज पर दिस फॉर्मूला इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, टैक्स लायबिलिटी इनटू नंबर ऑफ डेज सिंस द ड्यू डेट ऑफ द एक्चुअल डेट ऑफ GSTR 3B, जो एक्चुअल डेट थी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डेज के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होने वाला है इंटरेस्ट। क्लियर? तो ये जो इंटरेस्ट है, ये नेक्स्ट हमारी 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगा। क्लियर गाइज? तो ये जो ऑटो पॉपुलेट होगा, कौन सी टेबल के अंदर ही ऑटो पॉपुलेट होगा? टेबल 5.1 के अंदर इंटरेस्ट और लेट फीस, ये सब यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, नीचे दिखाई भी हुई है ये टेबल, इस टेबल का भी फॉर्मेट आपको यहाँ दिखाया हुआ है। ये टेबल 5.1 है, जहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फीस जो है ऑटो पॉपुलेट होती है। ये देखिए, ये इंटरेस्ट है और ये लेट फीस है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। क्लियर?
इसके ऑटो पॉपुलेट होने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कोशिश करते हैं उस इंटरेस्ट को कम करने की, अगर आप कोशिश करेंगे उस इंटरेस्ट को कम करने के लिए, तो ये देखिए रेड तरीके का एरर आ जाएगा, एक रेड बॉक्स बना हुआ आ जाएगा और ऊपर इस तरीके से एरर दिखाया जाएगा। और अगर आप फाइल करने की कोशिश करेंगे विद लोअर अमाउंट, ठीक है, अगर आपने विद लोअर अमाउंट फाइल करने की कोशिश की तो ये रेड तो हो ही जाएगी जो आपकी टेबल होगी, साथ ही साथ इस तरीके की वार्निंग भी आपको दिखाई जाएगी। जो भी पोर्टल है वो आपको इस तरीके की वार्निंग दिखाएगा कि आपको इस तरीके से प्रोसीड नहीं करना चाहिए, और जो इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट हुआ था आप उससे कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस तरीके से वार्निंग भी आपके पास आएगी। और फिर भी आप अगर इसको इग्नोर करते हैं तो आपके पास नोटिस आने के भी चांसेस हैं, यानी आपको ये इग्नोर नहीं करना है, जितना ऑटो पॉपुलेट होकर इंटरेस्ट आता है वो आपको इंटरेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो गाइज ये सब चेंजेस थे हमारे पास GSTR 3B में, और जिस पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी उसने लेट पेमेंट ऑफ GST नहीं किया, तो उसे नॉर्मल तरीके से अपनी GSTR 3B फाइल करनी है। लेकिन अगर आपने कोई लेट फीस पे की है तो आपको बायफर्केशन भी देनी जरूरी है, मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया। गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लेटेस्ट अपडेट्स विद डिटेल आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।